जय सियाराम मित्रों। मेरे 75 बैच कंप्लीट होने के बाद आज स्टार्ट है मेरा 76वां दिन और मैं आ गया अखाड़े में। अखाड़े में आने सबसे पहले मैंने किया प्रभु को प्रणाम। अखाड़े में आने के बाद सबसे पहले हम आ गए हैं मेट पर। मेट पर हम हार्ड वर्कआउट करने से पहले बॉडी स्ट्रेचिंग करेंगे ताकि हमारे लिगामेंट्स और टेंडन और बॉडी में लचक बनी रहे और लिगामेंट्स और टेंडन को कोई भी नुकसान नहीं हो। सबसे पहले बॉडी स्ट्रेचिंग, ये बहुत ही जरूरी है। हमारी मांसपेशियों में सही तरीके से खिंचाव बना रहे उसके लिए आप कोई भी हैवी वर्कआउट कर रहे हो उससे पहले आपको स्ट्रेचिंग करना बहुत ही जरूरी है। अब हम खोदेंगे अखाड़ा और ये सबसे मुश्किल वर्कआउट लगती है मुझको। खोदा अखाड़ा, ये जमा दिया अखाड़ा। ये एक ट्रेडिशनल वर्कआउट है, इससे आपकी अपर बॉडी, शोल्डर, ट्राइसेप और बाइसेप कंप्लीट बन जाते हैं। इसको जितना घुमाना आसान लगता है उतना ही कठिन है, पर धीरे धीरे अभ्यास से सब चीज संभव हो जाती है। और इसमें आपके हाथ में पावर आता है, ये देसी वर्कआउट है। अब हम खींचेंगे रस्सा। और ये रही आज की बॉडी कंडीशन। आज का वर्कआउट हुआ यही समाप्त। अब हम चलेंगे नहाने धोने। हो गई आज की ट्रेनिंग खत्म और नहा धो के रेडी होके अब हम चले कमांड दमांड कमांड खातिर इस पापी पेट के लिए। बहुत जय श्री राम।